नमस्कार, मी फेरोज मनियार, जनतेचे मत लाईव्ह मध्ये आपले स्वागत. लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यात ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात यमायम पक्षाच्या शाखा औसाच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या धरणे आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या अशा होत्या की मुस्लिम समाजाला आरक्षण, शिक्षण, संरक्षण मिळण्याबाबत, अल्पसंख्यक समाजासाठी, विशेष मुस्लिम समाजासाठी सामाजिक संरक्षणाच्या 18 सीटीच्या धर्तीवरून नवीन कायदा पारित करण्यात यावा. गोवंश हत्या नावावर होत असलेल्या निष्पाप मुस्लिम लोकांची हत्या करणाऱ्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून जन्मठेपाची फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. मुस्लिम समाजात सर्व क्षेत्रात मागासलेला आहे व शासनाने समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मौलाना अबुल कलाम आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्ज वाटप त्वरित करण्यात यावे. एक विशेष मागणी म्हणजे अशी, औसा नगर परिषदेच्या मालकीच्या मुख्य रस्त्यावरील 116 गाड्यांचे फेर लिलाव तात्काळ करण्यात यावे अशा विविध मागण्यांचे निवेदन औसा तहसीलदार यांना देण्यात आले. या धरणे आंदोलनाला औसा मतदारसंघातील विद्यमान आमदार माननीय बसवराज पाटील यांनी धरणे आंदोलनास भेट देऊन त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. मुस्लिमीन पक्ष औसा तालुक्याची तरफ से धरना आंदोलन का धरना आंदोलन लिया गया है. इसमें खास हमारे पक्ष की मांगनी ये है कि मुस्लिम मुसलमानों को जो 5% आरक्षण दिया गया था शैक्षणिक, वो आरक्षण की त्वरित अमल बजूनी की जाए. और दूसरी खास मांगनी हमारे पक्ष की तरफ से ये है कि जो मॉब लिंचिंग जो लोगों को मारा जा रहा है, नहीं कि मुसलमानों को गौवंश हत्या के नाम पर मारा जा रहा है, वो लोगों के खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए. और ख़ास हमारी स्थानिक मांगनी जो कि है नगर परिषद के 116 नगर परिषद कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें गाले हैं, जो कि कई दिनों से वहाँ के कुछ खास लोगों ने, जिनका राजकीय पाठबल है, जिनको राजकीय सपोर्ट है, ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है. ऐसा देखा जाए तो फायदे से कोई भी नगर परिषद की प्रॉपर्टी 9 साल के लिए भाड़े पे दिया जा सकता है, लेकिन नगर परिषद औसा के इस कॉम्प्लेक्स में कुछ भाड़े घर ऐसे हैं कई सालों से, जिसकी 35 से 40 साल के वक्फा हो गया, फिर भी उन्होंने कुछ वो नाम मात्र भाड़े पे अपने वो जगह कब्जा कर बैठे हैं. तो हमारी राष्ट्र मांगनी है कि इस कॉम्प्लेक्स जो कि नगर परिषद कॉम्प्लेक्स मेन रोड अहमियत की जगह पर है उस जगह का फिर लीलाव किया जाए, वो कॉम्प्लेक्स का फिर लीलाव किया जाए. और जो कॉम्प्लेक्स का फिर लीलाव के वक्त जो प्रोसीडिंग नगर परिषद ने चालू की थी, उस प्रोसीडिंग में औसा कोर्ट ने जो लीज़ पर लिया है, भाड़े से लिया है, वो दुकानों का मनाई हुक्म का आज रिजेक्ट करते हुए भी कलेक्टर साहब लातूर ने स्टेटस को जैसे कि तैसे का आदेश पारित किया. मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि गांव के विकास के लिए और शहर के विकास के लिए नगर परिषद को इनकम होना ज़रूरी है. और ये कॉम्प्लेक्स ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत सा अहमियत की जगह है. आज वहाँ पर 5 से 7 लाख रुपये का सालाना भाड़ा रहते हुए कुछ भाड़े के लिए कुछ हज़ारों के इस पर वो जगह भाड़े पर ली हुई है. और कई ऐसी जगह है उन्होंने अतिक्रमण कर खुद के पास रखा हुआ है. तो हमारी राष्ट्र मांगनी है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स जो कि नगर परिषद का, उसका त्वरित फेर लीलाव किया जाए. और उस जो भाड़ेकरी जो बहुत सालों से उस जगह पर कब्जा करके बैठे, उनको वैकेट करके निकाला जाए. और चौथी मांगनी हमारी ऐसी है, जो मुस्लिम समाज के लिए जो आर्थिक विकास महामंडल बनाया गया है मौलाना अबू कलाम, आज तक उस इस कम्युनल सरकार ने उस महामंडल को कोई भी फंड नहीं दिया. तो हमारी राष्ट्र मांगनी है कि उसको फंड देकर मुसलमान लोगों को खर्च का वाटप किया जाए. यही हमारी राष्ट्र मांगनी है. प्रतिनिधि इलियास चौधरी, जनतेचे मत लाईव, औसा लातूर. आपल्या परिसरातील ठळक घडामोडीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करून आपल्या परिसरातील घडलेल्या प्रत्येक घटनेवरची बातमी त्वरित आपल्या मोबाईलमध्ये मिळवा. पाहत रहा जनतेचे मत.